धन्यवाद सभापति महोदय। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 पर बोलते हुए, इस सरकार ने अलग अलग क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट जो यहां पे लाया है उसके समर्थन में बोलते हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तीन फीचर इस बिल के अंदर प्रस्तुत किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कि आप जानते हैं कि इस बिल के अंदर जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जिसकी संख्या कम कर दी गई, जो सारे लीगल एस्पेक्ट को देखते हुए मुझे लगता है कि जब हम एक अलग वातावरण की ओर जा रहे हैं, इस देश में छोटे व्यापारी और ट्रेडर को भी अच्छे नजरिए से अब देखने जाना लगा है, तो मुझे लगता है कि इसमें और भी गुंजाइश है कि हम इसके कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, जैसे कि आज आप जानते हैं कि भारतीय कंपनियां कई मल्टीनेशनल कंपनी या फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी बनके काम करती है, और ऐसे काम करने के वक्त पे उनके रिटर्न के ईयर को, अकाउंटिंग ईयर को अगर जनवरी से दिसंबर करना है, हमारे यहां अकाउंटिंग ईयर मार्च तक का है, तो उसके लिए भी पहले एनसीएलटी में जाना पड़ता था, लेकिन इस बिल में यह प्रावधान है कि उसके अंदर ये कंपनियों को अब सरकार का निर्णय सरकार के पास हो जाएगा, एनसीएलटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जब ये आर्टिकल है, अपने आर्टिकल में किसी कंपनी को चेंज करना है तो उसके अंदर भी हर बार एनसीएलटी के तरफ दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, लेकिन आज ईज ऑफ डूइंग के परिमाण इस बिल के अंदर आने के कारण ये भी सरकार के दरवाजे पे हो जाएगा। जब हम बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी की, तो यहां पे शेल कंपनी की बात चली। शेल कंपनी की बात चलने के वक्त पे ऐसा महसूस किया गया कि जो 2004 से लगाकर 2014 तक की सरकारें चली उसमें शेल कंपनियों की बड़ी एक भरमार लगी थी, और यह भरमार लगने के कारण उस पर ट्रांसपेरेंसी की आज नकेल कसने के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता से न केवल अमेंडमेंट्स लाए, लेकिन अमेंडमेंट्स के बाद इस बिल में यह प्रावधान किया गया, और इस बिल के प्रावधान के कारण इस देश में शेल कंपनियों की संख्या तो घटी, लेकिन जो एड्रेस के प्रोविजन है, ये बाकी प्रोविजन है जिसके कारण अब ये शेल कंपनी के ऊपर लगाम लगाने का काम भी इस बिल के कारण हो रहा है। मैं सरकार का अभिनंदन करूंगा इस मामले में भी कि सरकार अकाउंटेबिलिटी, जब सीएसआर एक्टिविटी का मुद्दा इस सदन में मैं नया सदस्य करके आया, मैंने पिछले एक महीने के अंदर दो बार सीएसआर के ऊपर माननीय मंत्री जी को जवाब देते हुए सुना, और उन्होंने अपने जवाब में सीएसआर की अकाउंटेबिलिटी जो कंपनियों के ऊपर डाली गई है, और उन सभी ने सीएसआर के अंतर्गत लोगों को मदद करने के लिए, जब ये देश के अंदर कंट्रीब्यूशन करने के लिए इन कंपनियों का प्रावधान किया गया है, जब पहले सरकारें चलती थी तो इस देश के अंदर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होता था, लेकिन अब ये जन भागीदारी द्वारा कंट्रीब्यूशन होता है। सरकार ने कंपनियों के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है कि आप जिस क्षेत्र में काम करते हो उस क्षेत्र में आपने अपने आप में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, और ये बिल के अंदर के प्रावधान में पढ़ता हूं जिसके अंदर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट अंडर सब सेक्शन 5 परसुएंट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट फुलफिलिंग सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब अंडरटेकन बाय अ कंपनी इन परस्यूएंस ऑफ इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी शेल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड स्पेशल अकाउंट। ये जो प्रोविजन किया गया है अब इन कंपनियों को जवाबदेह बनाता है कि आप सीएसआर फंड के पैसे अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको ये पैसा 30 दिन के अंदर अकाउंटिंग ईयर के बाद में आपको ये ट्रांसफर करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सरकार की यह सबसे बड़ी उपलब्धि, यहाँ के सांसदों ने जो प्रश्न उपस्थित किए थे, माननीय मंत्री जी ने इस पर जवाब देने के वक्त पे भी कहा था कि हम कंपनी एक्ट में इसका संशोधन लाएंगे, सरकार ने अपनी मंशा के अनुसार इसमें संशोधन लाया है, और ये संशोधन बताता है कि अगर कॉरपोरेट कंपनियां अपने आप खर्च नहीं करेगी तो उन पर यह जिम्मेदारी लगेगी, उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा।
मैं आर्थिक राजधानी से आता हूँ, आपके माध्यम से इस बिल के अंदर एक छोटे से प्रोविजन के ऊपर कि जो स्टार्टअप कंपनियां या एमएसएमई कंपनियों को हम प्रोत्साहित करने का बात करते हैं, तो उनके जो डीमैट करने हैं शेयर, वो 1 करोड़ की कंपनियों के नीचे उनको थोड़ी छूट दी जाए, ऐसी आपके माध्यम से अगर सरकार इसमें प्रयत्न करे, ऐसी मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ।